अगर कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति यदि दृढ़ हो तो संसाधनों की कमी सफलता की राह में कभी बाधा नहीं बनती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है जहानाबाद के टेहटा बाजार के रहने वाले अमन कश्यप ने। यूपीएससी की परीक्षा में 139वां रैंक लाकर न सिर्फ अपने माँ बाप का बल्कि जिले और गांव का नाम रोशन किया है। अमन कश्यप के पिता बैजू प्रसाद टेहटा बाजार स्थित धीरा बीघा मोड़ के समीप गल्ला व्यवसाय का काम करते हैं। उनकी मां एक गृहिणी है। उनके पुत्र ने प्रथम प्रयास में यूपीएससी क्लियर कर प्रवर्तन पदाधिकारी बन जिले का नाम रोशन किया है। वही जिलाधिकारी बनने के बाद पहली बार अपने गांव पहुंचे, जिसे लेकर उनके घर ग्रामीणों और शुभचिंतकों की शुभकामना देने वाले का तांता लग गया। अमन ने बताया कि घर पर रहकर ही सेल्फ स्टडी ही करता था, जिसे यूपीएससी क्लियर किया है। आप सुनिए कि अमन का इस विषय में क्या कुछ कहना है। अभी तो मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं इससे काबिल हो सका और मैं प्रवर्तन अधिकारी का रोल अच्छे से निभा पाऊँ इन फ्यूचर, तो और कुछ ऐसा काम कर सकूँ जिससे इस ज़िले का नाम और रोशन हो। सिर्फ ये एग्ज़ाम निकालना ही काफ़ी नहीं था, असली चैलेंजेस अब स्टार्ट होते हैं हमारे लिए लाइफ में। कैसे तैयारी की आप? बेसिकली मेरी स्ट्रैटेजी तो सेल्फ स्टडीज़ की ही थी। मैंने सेल्फ स्टडी की पहले जो सिलेबस था ये एग्जामिनेशंस के लिए यूपीएससी ईपीएफओ ईओ, सो मैं उसका पूरा उसके थ्रू पूरा गो थ्रू हुआ। उसके बाद आई हैव सेलेक्टेड सम स्टडी मटेरियल्स एंड बुक्स एंड सम यूट्यूब चैनल्स ऑल्सो। आफ्टर दैट मैंने इसकी थॉरो प्रिपरेशन स्टार्ट की एंड रिजल्ट मैं यहाँ। यूपीएससी की पहली बार एग्ज़ाम दिए थे? हाँ जी, ये यूपीएससी की पहली एग्जामिनेशन थी मेरी। और वैसे ये जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर की एग्ज़ाम होती है ये रेगुलर बेसिस पे भी नहीं होती। अभी जैसे ये मेरा जो एग्ज़ाम है 2020 में आई थी और इसके पहले ये एग्ज़ाम 2017 में ली गई थी। सो ये तो बेसिकली वैसे पहली एग्ज़ाम हुई। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुआ आपका? मेरा प्रारंभिक शिक्षा प्रतिभा पलवन पब्लिक स्कूल से हुआ था जहानाबाद। वहाँ से मैंने 10वीं तक की परीक्षा ग्रहण की और उसके बाद अगर इंटरमीडिएट की बात करें तो मैंने आईकॉम डीएवी पब्लिक स्कूल जहानाबाद से किया और मेरा स्नातक दैट इज़ बीकॉम वो मैंने परस्यू किया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से। युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? युवा हैं, युवाओं के लिए मेरा एक संदेश होगा। जैसे एक तो इसका भी माइक बर्श मैं करूँगा कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ नहीं होता। अगर आप किसी और चीज़ में भी स्पेशलाइज हो यू मे गो फॉर दैट ऑप्शन। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करना चाहते भी हैं तो देर इज़ नॉट अ रेडीमेड स्ट्रैटेजी फॉर एवरी वन इन द मार्केट। यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन स्ट्रैटेजी। आपको अपनी एक पर्सनल स्ट्रैटेजी बनानी होती है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमन कश्यप। कितना रैंक है आपका? मेरा 139th रैंक, 139वां रैंक है। तो आपने अमन को सुना जिन्होंने यूपीएससी क्लियर कर प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी बने। तो आप इस विषय में क्या कुछ कहते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।